से बहुत सारी लड़कियों को ऑयलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि हम स्टाइलिंग के चक्कर में हमारा जो ऑयलिंग वाला कल्चर था, जब दादी नानी हमें भर भर के ऑयल डालती थी, हम उसको लगभग छोड़ते जा रहे हैं। हम सिर्फ इस बात को देख रहे हैं कि कोई हमें चिपकू ना बोल दे। अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी को पता चल जाए तो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। आज के टाइम पे ऑयलिंग कौन करता है? ये तो बहुत पुराने टाइम की बात है जब लोग ऑयलिंग किया करते थे। जो पुरानी ऑयलिंग थी, जो पुराने मेथड है, जो पुरानी रेमेडीज थी, वो सारी इतनी कमाल होती थी कि उस टाइम पे बालों में कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं थी। अब हम उन चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, नई चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं, तो हमारे बालों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। यंग एज में ही हम गंजे हो रहे हैं, हेयरफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतनी स्टाइलिंग करते हैं जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प पे बाल बसते ही कहाँ हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ही पुराना मेथड देने जा रही हूँ जिससे हम ऑयल प्रिपेयर करेंगे। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स आपको लेने हैं जिनको करके, जिनका ऑयल बना के आप अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं, अपने बालों को आप दोबारा से उगा सकते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे लगाना है, कब लगाना है, कितनी क्वांटिटी में लगाना है, कितने दिन के लिए स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के एंड तक मिल ही जाएंगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाइएगा। ऑयल बनाने के लिए आपको एक जार लेना है, जार के अंदर हम डाल देंगे लौंग। लौंग आपको 2 बड़े चम्मच लेने हैं। अगर आप यहाँ पे पाउडर का यूज करना चाह रहे हैं तो आप पाउडर का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन पाउडर 1 चम्मच डालना है। अगर आप बड़े वाले लौंग ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच बड़े वाले लौंग लेने हैं। इनको अच्छे से आपको तोड़ लेना है ताकि इनका इन्फ्यूजन ऑयल के अंदर अच्छे से बन पाए। तो अच्छे से मैं यहाँ पे इनको कूट लूंगी, हल्का सा तोड़ लूंगी। आपका जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है अदरक का छोटा सा टुकड़ा। जितना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इतना ही टुकड़ा आपको लेना है। इसको मतलब यूज करने से पहले आपको वॉश करना है, अच्छे से पील ऑफ करना है और इसको हल्का सा सुखा लेना है। इसके ऊपर कोई पानी नहीं होना चाहिए, कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसको डाल के अच्छे से लौंग के साथ ही हम इसको कूट लेंगे, हल्का सा हम इसको तोड़ लेंगे ताकि ये अच्छे से ऑयल के अंदर अपना इन्फ्यूजन कर पाए, मतलब इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे ऑयल के अंदर मिल जाएं। उसके बाद आपको डबल बॉइलिंग मेथड से आपका ऑयल कंप्लीट करना है, यानी उसको बनाना है। मैं यहाँ पे ये वाला जो मेथड है तवे के ऊपर एक बालू रख दे रही हूँ और उसके अंदर ऑयल डाल दूंगी, ये मुझे सबसे आसान लगता है। अगर आपके पास अवन वगैरह है तो आप उसमें भी इसको कर सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे ऑयल ले रही हूँ, एलमंड ऑयल। एलमंड ऑयल अच्छे से बालों को मॉइस्चराइज करता है, अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, लचीलापन लेके आता है, ब्रिकेज को हटाता है, हेयर फॉल को कंट्रोल कर देता है। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारे ऑयल यूज करके देख रहे हैं तो ये जो ऑयल हम एलमंड ऑयल के अंदर बना रहे हैं तो इस मेथड से एक बार बना के जरूर देखिएगा, इसको जरूर लगा के देखिएगा। यहाँ पे एलमंड ऑयल की जो क्वांटिटी है ध्यान से सुनिएगा, मैंने 50 ml लिया है, आपको भी 50 ml ही लेना है, ओके। आपके पास एलमंड ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पे इसकी जगह पे कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी भी 50 ml ही होगी, उससे ज़्यादा या कम नहीं होगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑयल चाहिए जो है आपका ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल की आपको इसके अंदर 4 बड़े चम्मच भर के डालने हैं। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपको कितना लेना है, यानी कि कोकोनट ऑयल और एलमंड ऑयल में से कोई एक ऑयल यूज करेंगे 50 ml होना चाहिए, लेकिन ओलिव ऑयल इसके अंदर कंपल्सरी हो जाता है क्योंकि उसके अंदर फैटी एसिड होते हैं और किसी ऑयल के अंदर फैटी एसिड्स नहीं होते हैं, जो आपके 2 मुहे बालों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और आपके रूखे सूखे बालों में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपका जो हमने मिश्रण बना के रखा हुआ था वो सारा इस ऑयल के अंदर आपको डाल देना है, डाल के अच्छे से आपको इसे पकाना है जब तक कि आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ब्राउनिश कलर में ना आ जाए, आपका जो ऑयल का कलर है जब तक चेंज ना हो जाए, जब तक आपको इसे पकाना है। और इसे पकाना है लगभग 8 से 10 मिनट आपके लगेंगे ऑयल को पकाने में। अच्छा, अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करूँ जो हमने लौंग और हमने अदरक लिया है, सर्दियों में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि वातावरण में बहुत सारी सीलन सीलन होती है, बैक्टीरिया पनपते हैं और उससे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है जिसकी वजह से हमें कफ होता है, कोल्ड होता है, और हम चाय के अंदर लौंग और अदरक डाल के पीते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। वैसे ही अगर आपके बालों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है तो वो टूटेंगे भी, वो झड़ेंगे भी और उनकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल डाउन चली जाएगी। अब उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और आपकी स्कैल्प की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब आप इसका यूज करेंगे तो ये आपके डैंड्रफ को हटाएगा, ये आपके एक्सेस ऑयल को हटाएगा, जो बैक्टीरिया स्कैल्प के ऊपर हैं अनहेल्दी उनको हटा के हेल्दी वाले बैक्टीरिया लेके आएगा, आपके स्कैल्प के पीएच को ठीक कर देगा।
तो ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपका ऑयल जैसे ही बन जाएगा आप इसको उतार लेंगे, जार के अंदर भर देंगे, गरम हल्का सा ठंडा होने के बाद ही आपको इसे डालना है। कांच का कंटेनर है तो समझ लीजिएगा आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल सेफ है। इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि एक छोटा सा कांच का जो कंटेनर है वो खरीद ही लें, क्योंकि आपको बार बार ऑयल बनाना पड़ेगा और उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो ये ऑयल हमारा बनके तैयार है। अब हम बात करते हैं कि इसे किस किस को लगाना है। देखिए, अगर आप टीनेज में हैं, अगर आप 35 के हैं, 40 के हैं, 45 के हैं, 50 के हैं, आप इस ऑयल को एक बार जरूर यूज करके देखिएगा। आपके बालों में जो भी प्रॉब्लम है ना वो सारी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल जड़ से। आप इसे अपने 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी लगा सकते हैं ताकि उनकी हेल्दी हेयर ग्रोथ हो, ताकि उनको बालों में और सारी प्रॉब्लम ना आए। ओके, बात करें कि इसको स्टोर कब तक कर सकते हैं, आप इसको लगभग अगर आपने अच्छे तरीके से बनाया है, अगर इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है, तो आप इसको 1.5 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं बड़े आराम से। बाहर फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर रखना है, और जब चाहे आप इसका यूज अपने बालों में कर सकते हैं। यूज कब कब करना है, आप इसको वीक में 2 बार पक्का यूज करेंगे, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसको किल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके बालों की जड़ों को स्ट्रोंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसीलिए वीक में 2 बार इसको लगाना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। लगाने का मेथड क्या रहेगा, दिन में लगाना है या फिर रात में लगाना है, आपको ये ऑयल रात में लगा के सोना है, क्योंकि 2 घंटे तक माना कि आपको ज़्यादा ऑयलिंग करने की आदत नहीं है, आप सिर्फ 2 घंटे ही रख पाते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी कि आप इस ऑयल को पूरी रात भर एक बार छोड़ के देखिएगा। ये पूरी रात भर में आपके बालों की जड़ों को स्ट्रोंग बना देगा। जब आप इसको 2 बार यूज कर चुके होंगे तो आपको अपने बालों में बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, मतलब कि आपके हेयर फॉल में आपको फर्क दिखेगा। आपको रात में एक अच्छी सी चंपी इसकी करके सो जानी है। जब आप चंपी करते हैं ना केवल आपके बालों को राहत मिलती है बल्कि आपके स्कैल्प को भी राहत मिलती है, जिससे आपके बाल और ज़्यादा तेजी से लंबे घने होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको लगाइएगा, इसको स्टोर कीजिएगा। सारी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं किस तरीके से आपको करना है। मैंने आप लोगों को बहुत सारे लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो उनको चेक कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस पे नीचे अगर आप क्लिक करेंगे तो व्यू प्रोडक्ट आ जाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकल आएंगे। मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। ओके, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑयल बनाना है, सिर्फ इस ऑयल को जब आप लगाएंगे ना तो कोई टोनर या पैक लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसी ऑयल के साथ रह सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिएं, खुश रहें, खुश रखें, बाय।